नमस्कार। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में खदबदाहट जारी है और जिस तरह से कमलनाथ गुट ने दिग्विजय गुट के माणक अग्रवाल को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसे लेकर ऐसा लगता है कि लड़ाई अब लंबी चलेगी, क्योंकि माणक अग्रवाल ने सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिख दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वे AICC द्वारा इलेक्टेड मेंबर हैं, इसलिए प्रदेश को यह कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि जब गौडसे वाले मुद्दे पर खुद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने वर्तमान में विधायक कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह जी ने या दिग्विजय सिंह जी ने टिप्पणी की, तब तो कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ माणक को क्यों मोहरा बनाया गया है, इस पर चर्चा हो रही है। और इससे ऐसा भी लग रहा है कि क्या दिग्गी गुट और कमलनाथ गुट में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जोर आजमाइश हो रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसे इस संदर्भ से भी जोड़ेंगे कि दमोह में उपचुनाव होने हैं और उस समय ये जो गुटबाजी है कितनी भारी कांग्रेस को पड़ सकती है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो खास मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात मैं करूँ अगर एक वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में रिटायर हुए आजाद सिंह दबास की, जो कांग्रेस से भी जुड़े रहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से, और उन्होंने कांग्रेस की ऊटपटांग नीतियों के चलते कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फिर स्वतंत्र रूप से अपना एक संगठन खड़ा किया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, तो वे अपना पक्ष रखेंगे। बात करूँ मैं अगर BJP की तरफ से, तो BJP के नेता हैं और विचारक हैं सुदीन जैन जी, वो यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे बनता है डब्बास जी, कि ये जो पूरा एपिसोड है जिसमें माणक अग्रवाल को सिर्फ इसलिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, निष्कासन किया गया 6 साल के लिए, कि उन्होंने ग्वालियर के बाबूलाल चौरसिया जो गॉड से समर्थक हुआ करते थे उनको कांग्रेस में सदस्यता दिलाए जाने का विरोध किया, और उसके बाद कमलनाथ जी की जो टीम थी उसने माणक जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, निष्कासित कर दिया। अब मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया। आपको क्या लगता है इस सब में किसकी जीत होगी? इसमें जीत किसी की भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित है। बहुत बढ़िया बात कही आप। जिस तरह से सत्ता के नीचे गुटबाजी फिर से सामने आ रही है, वो बहुत ही नुकसानदायक साबित होने वाली है। अभी नगरीय निकायों के चुनाव सामने खड़े हैं और ऐसी परिस्थिति में इस तरह का घटनाक्रम किसी भी दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं कहा जा सकता। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में खास तौर से मुझे लगता है कि अपनी विचारधारा से लगभग भटक गई है, अन्यथा एक बहुत छोटे लेवल के नेता को कांग्रेस में शामिल करा के मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कमलनाथ जी क्या हासिल करना चाहते थे। एक पार्षद स्तर का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, फिर वो हिंदू महासभा के पार्षद रहे और गौडसे की विचारधारा से जुड़े रहे। ऐसे कंट्रोवर्शियल आदमी के बारे में पहले सवाल तो यही पैदा होता है कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को ये मालूम ही नहीं है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, और जब बात सामने आती है तो फिर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो 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 ठीक नहीं है। 3-4 लोगों ने प्रतिक्रिया दी हैं, जो उनमें से 2-3 का कुछ यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा स्टेचर बड़ा है या ज़मीनी आधार ज़्यादा है। उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट माणक जी, हालांकि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको जो भी जिस भी कारण से उनको चुना है, लेकिन ये ठीक नहीं है। और जो अब सामने आ रही है बात के, वो तो AICC के इलेक्टेड सदस्य हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति को इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस तरह के जो 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 AICC का सदस्य है उसको उसके खिलाफ आप अनुशासनात्मक कार्रवाई
कर भी सकते हैं या नहीं, तो ये तो और भी दुखद है। हमें मालूम ही नहीं है कि किस तरह के नियम कानून हैं, तो क्या हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये भी एक इससे स्पष्ट होता है। ऐसा ही एक और मामला भी आया था कि भिंड के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ जो है वो तमाम शिकायतें कर दी थी प्रदेश नेतृत्व को, और उनके निष्कासन की मांग उठा दी थी। तो ये मतलब क्या चल रहा है, छोटे लोग कुछ भी डिमांड करते हैं उसको कांग्रेस इसलिए मान लेती है कि उन्हीं को आगे बढ़ाना है, बड़े लोगों का सफाया करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे तो इसके पीछे एक गुटबाजी ही दिखाई देती है, तो कांग्रेस की बहुत पुरानी और संभवतः स्थायी बीमारी है, वो उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। गोविंद सिंह जी का अलाइनमेंट किन्हीं और से है, जो एक बड़ा ग्रुप यहाँ ऑपरेट करता रहा है, जो पहले सत्ता में भी रहा है, तो इस कारण से मानक जी का भी ऐसा है कि वो भी किसी कमलनाथ जी के अपोजिट ग्रुप से जुड़े हैं। इस निष्कासन में और उस उनके गोविंद सिंह जी के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मुख्यतः वही गुटबाजी ही आधार है, तो पार्टी को पहले भी डुबोती रही है और आगे भी डुबोएगी। बिल्कुल, आप भी पार्टी में रहे काफ़ी समय तक, और नौकरी से इस्तीफा देने के बाद या रिटायर होने के बाद आपने कांग्रेस को क्या सोच के ज्वाइन किया था, और क्या कमलनाथ जी जो जनता की अपेक्षाएं हैं, प्रदेश की जो अपेक्षाएं हैं, कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं, उनको पूरा कर पाते हैं? नहीं, मैंने तो दरअसल एक सबसे बड़ा कार्यकाल शिवराज जी का देखा, जो 13 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जिस तरह से शासन चलाया उससे मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही निराशा थी। बहुत अच्छा काम किया जा सकता था, जिस पृष्ठभूमि से शिवराज जी आते हैं उनसे और भी ज़्यादा अपेक्षा थी, गरीबों के हित में बहुत अच्छे काम किए जा सकते थे। लेकिन आखिरी टर्म तो खासतौर से मैं कहूँगा कि पूरा भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ गया। पहले कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन आखिरी टर्म जो था पिछले 5 साल का वो बहुत ही निराशाजनक रहा, और अनेकों घोटाले ही घोटाले जो है वो सामने आए, जिससे बहुत ही निराशा हुई। मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बेहतर करेगी, अच्छा गवर्नेंस देगी, जो इस प्रदेश की जनता को बहुत दिन से जिसकी इच्छा है, लेकिन कमलनाथ जी ने और भी ज़्यादा निराश किया। एक ऐसा शासन दिया जा सकता था, एक ऐसा पारदर्शी और गुड गवर्नेंस का मॉडल पेश किया जा सकता था, जो कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ मध्य प्रदेश में पुनर्स्थापित करता बल्कि देश में भी कांग्रेस पार्टी की छवि उज्ज्वल हो सकती थी। लेकिन कमलनाथ जी ने उसको और ही दिशा में ले गए, और भ्रष्टाचार के मुझे लगता है जो आयाम पिछली सरकार में स्थापित किए जा रहे थे उनको भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ते दिखाई दिए मुझे। बिल्कुल, और क्या ये जो वादे किए थे कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में, उन पर भी कमलनाथ जी ने विचार किया, या वो अपने ही रंग में मस्त रहे, जनता से कार्यकर्ताओं से उनको कोई लेना देना नहीं रहा? नहीं, सबसे बड़ा वायदा जिसका कांग्रेस पार्टी को फायदा भी मिला था वो था किसान कर्ज माफ़ी का। उसमें मुझे लगता है कि जिस सिंसियरिटी से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो है 10,000 करोड़ समथिंग की कर्ज माफ़ी हुई, 26 लाख किसानों की छोटी कर्ज माफ़ी, और जो 2 लाख तक के जो वायदा किया गया था कि 2 लाख तक के कर्ज माफ़ किए जाएंगे, उससे वो बहुत दूर रहे। और अब ये ज़रूर कांग्रेस पार्टी हर चीज़ का ये बहाना दे रही है कि हम तो हर प्रोसेस में थे, वो सब आगे प्रक्रिया चल रही थी, 15 महीने में सरकार गिरा दी। लेकिन 15 महीने का समय मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी डिसीजन को उसकी लॉजिक परिणति में पहुँचाने के लिए पर्याप्त था। कहाँ 55,000 करोड़ समथिंग माफ़ होना था और 10,000 करोड़ का लगभग माफ़ किया गया, उसका भी बहुत सारा कुछ आधा अधूरा और अधकचरा प्रोग्राम रहा। उसको एक बार पहली विधानसभा में वर्तमान कृषि मंत्री ने एडमिट भी किया, फिर हो सकता है उनको शायद कुछ सुनने भी पड़ा होगा। इस सत्र में उसको भी गोलमोल कर दिया गया, और एक्चुअल पिक्चर जो है उसकी सामने आनी है। बट जितनी मुझे जानकारी है वो 26 लाख किसानों का 10,000 करोड़ समथिंग का माफ हुआ है, लेकिन वो उसमें भी जो तरीका अपनाया गया वो बहुत सही नहीं था।
और बात गुड गवर्नेंस की आप करें या तो उस पर कमलनाथ जी खड़े उतरे, क्या मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं वो, और वाकई मैनेजमेंट गुरु निकले या गुरु घंटाल निकले? नहीं, मुझे हम तो वर्षों से सुनते रहे कि बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, लेकिन उनके जब शासन को देखा जाए तो मैनेजमेंट में तो वो पूरी तरह से फेल हो गए, अन्यथा सरकार ही नहीं जाती। अगर उनको कुछ मैनेजमेंट आता, कुछ प्रशासन आता, तो सरकार नहीं जाती थी। केंद्र में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करना जो है तिवारी जी, एक अलग विषय है, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में काम करना बिल्कुल ही अलग विषय है, जिसमें कमलनाथ जी मुझे लगता है काफ़ी हद तक फेल रहे। बिल्कुल। यहाँ सतीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में ये जो उठापटक मची हुई है कि माणक अग्रवाल जैसे सीनियर नेता पर कार्रवाई हो रही है निष्कासन की, वो चुनौती दे रहे हैं हाईकमान को, यानी सोनिया जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये अधिकार ही इनको नहीं है प्रदेश को, तो इन्होंने कैसे निष्कासन कर दिया, आपको क्या लगता है गॉड से ज़्यादा हावी हैं कांग्रेस में या महात्मा गांधी? देखिए प्रकाश जी, ये पूरा एपिसोड जो है ये बिल्कुल कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी तो कहीं से भी नहीं लगता, उनके सिर्फ नाम का उपयोग करते हैं वो, और महात्मा गांधी की कोई भी जो आचरण रहे या जो उनके सिद्धांत रहे उन पर कभी नहीं वो सफल हो पाए और ना उसको पालन करते हैं। हाँ, गॉड से जैसे और टुकड़े टुकड़े वाली विचारधारा जो कांग्रेस की है वही यहाँ से परिलक्षित होती है, और कांग्रेस जिस तरीके से कबीलों वाली पार्टी, कबीलाई पार्टी जिसको कहते हैं, हर एक एक छत्रप बटे हुए हैं उसका ही इसमें प्रतिपादन होता है। और आप देखिए कांग्रेस कई बार टूटी है, जैसे नाभिकीय विखंडन होता है तो एक अणु, एक परमाणु जो दूसरे दोष में दूसरे परमाणु में दो टुकड़ों में होता है, यहाँ तो कई बार इनके दसों बार एक कांग्रेस टूट चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। तो कांग्रेस इतनी इस प्याज के छिलकों की तरह टूटती रहती है, एक तरह से जो ब्रिटल है, जो इसे कांच टूटता है ना, क्षणभंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ब्रिटलनेस, तो वो क्षणभंग भंगुरता की भंगुर होती है कांग्रेस, और यही परिलक्षित हो रहा है। आप देखिए कांग्रेस की नीति भी नहीं है, आप जिस तरीके से माननीय मानक जी ने पत्र लिखा बिल्कुल सही लिखा, बिकॉज बुआ जो है यह अधिकार रखते हैं, AICC के मेंबर हैं वो, तो ये किस आधार पर कांग्रेस का कौन सा संविधान है प्रदेश का या राष्ट्रीय संविधान, तो प्रदेश के संविधान से, क्योंकि प्रदेश इकाई ने उनको निष्कासित किया है 6 साल के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल सही पूछा है कि जब वो राष्ट्रीय कार्य समिति में है, AICC के मेंबर हैं, तो किस आधार पर क्या इनको ये अधिकार है? मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति को कांग्रेस की कमलनाथ जी को निष्कासित करना चाहिए, जो चंद्र प्रभात शेखर जी हैं जिन्होंने जो पत्र लिखा था उनको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि उनको नियमों का ज्ञान ही नहीं है किस तरीके से गुटबाजी हो रही है। और उससे पहले जैसा आपने भी कहा कि माननीय अरुण जी यादव जी हैं कांग्रेस से हैं, अच्छे पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, तो उन्होंने भी साफ कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। अरे, और लक्ष्मण सिंह जी ने भी कहा और भी काफ़ी नेताओं ने कांग्रेस के कहा कि भाई गोडसे की जगह जेल में है, और उनके उनको जो आरती उतार रहे हैं उन नेताओं को कांग्रेस ने अपने उसमें दल में ले लिया, तो ये बहुत बड़ी कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो ऐसे उन पर किसी पर कार्रवाई नहीं की गई, मानक अग्रवाल जी को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया एक तरह से, शब्दशा ना लिया जाए इसको, लेकिन उनको विक्टिम बना दिया, शहीद बना दिया इसका, और उनके ऊपर घात किया कांग्रेस ने। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय इकाई को या मुकुल वासनिक जी हैं इसके, यहाँ के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और स्वामी अंतरिम अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं अभी, तो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके अगर वो कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है उनके यहाँ, तो ऐसे लोगों को जिनने उनको हटाया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए। मुझे लगता है उन लोगों को निष्कासित करना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात प्रकाश जी, आप देखिए कितनी कांग्रेस की कमलनाथ जी के जो फेवर वाले लोग हैं, आपने भी कहा डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस के समर्पित नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस का पक्ष जिम्मेदारी से रखते हैं हर जगह, उनको ही वहाँ की जिला इकाई जिस जिले से वो बिलोंग करते हैं उस जिला इकाई ने उनको मतलब बोला कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनको निष्कासित कर दिया गया। इसी प्रकार से कांग्रेस की रीति नीति नहीं, आप शिवसेना के साथ में सिर्फ इन प्रकार महाराष्ट्र में सत्ता बनानी है, शिवसेना खुद कहती है गोडसे जो राष्ट्रभक्त हैं, और उन राष्ट्रभक्त अब वो बताओ किस तरीके से अमल कमीशन ये कर लेते हैं सत्ता की चाशनी चाटने के लिए, सिद्धांतों को एक तरफ रख देते हैं कांग्रेस। इसलिए मैंने कहा अवसरवादिता वाली पार्टी हो गई है, उसके लिए ना देश से कोई मतलब है,
ना उसको अपनी विचारधारा से कोई मतलब है, ना अपने उसको कोई अपने लीडर्स से कोई मतलब है, उसको तो बस ऐसे लगता है कि एम के इन प्रकार हम कैसे सत्ता में आ सकें, सिर्फ यही परिलक्षित होता है। अगर कांग्रेस के अंदर कुछ भी नैतिक मूल्य बचे हैं प्रकाश जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय इकाई को कांग्रेस की, प्रदेश की जो नेतृत्व है इनको, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए कांग्रेस से। बिल्कुल, पर यहाँ एक बात और भी उठती है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा है, और बीजेपी जो है वो अपने जो जासूस हैं, अपने जो चेहरे हैं, उनको कांग्रेस में धीरे धीरे करके अंदर कर रही है। और दूसरी बात ये है कि वही लोग जो है कांग्रेस में फुटन पैदा कर रहे हैं। प्रकाश जी, ये तो ना, वो एक उपधारण है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मैं मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस के अंदर देखिए ना लीडर है ना लीडर है, कांग्रेस के अंदर जितने लोग भी हैं कबीलाई संस्कृति में बटे हुए हैं, गुटबाजी में बटे हुए हैं, और वहाँ किसी की प्रगति भी नहीं। तो ये सब क्या करते हैं कि सत्ता का सुख भोगने के लिए वहाँ पर हैं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं, देश के लिए इनकी क्या नीति है, इनको ये देश के अगर में चले जाते हैं। की आप बात मुझे वही लगता है प्रकाश, अगर आप संगठन की बात कर रहे हैं तो कुसुम महदेले जी ने ही कल ट्वीट किया है कि 88 साल के ई श्रीधरन को बीजेपी टिकट दे रही है विधायक का, और वो खुद जो 75 में थी उनको ये कह के बाहर कर दिया गया, क्राइटेरिया में नहीं आती, आप बुजुर्ग हो चुकी हैं, मार्गदर्शक मंडल में बैठी। प्रकाश जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है वो कुसुम महदेली जी नहीं, 75 वर्ष के जो क्राइटेरिया में काफ़ी सारे नेता जो हैं उसके कारण से उनको काफ़ी अवसर मिला है। मुझे ऐसा लगता है कुसुम महदेली जी वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री भी रही हुई हैं, काफ़ी उन्होंने पार्टी ने उनको काफ़ी कुछ दिया। लेकिन अब श्रीधरन जी देखिए, केरल की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और अन्य राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हुआ है, केरल में तो एक बार भी अभी ले दे के आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सीट भी एक दो सीटें आती हैं। वो पहली बार पिछले विधानसभा चुनाव में ही 10% का वोट शेयर आया था, उसके पहले के जो विधानसभा के चुनाव या देख लें या लोकसभा, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र की द्रव्य क्षेत्र काल और भाव जो हमारे यहाँ कहा गया है उसकी परिस्थिति के अनुसार मौका देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा कुछ निर्णय लिया होगा, क्योंकि श्रीधरन जी पहले कोई नेता रहे नहीं। हाँ। अभी तो वो पहली बार आए हैं। अच्छा, वो तो जो वो यही तो कह रही हैं कुसुम महदेले जी कि मौका देख के आप चौका मारते हैं, जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनसे आप किनारा कर रहे हैं, नए लोगों को ले रहे हैं। प्रकाश जी ये बिल्कुल प्रथम दृष्टया उनकी भावाव्यक्ति हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है इस पर केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया होगा सोच विचार के लिया होगा। बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व ने सोच विचार के निर्णय लिया होगा, पर ये इनका क्या, कुसुम महदेले का तो इसी चक्कर में जिसको कहें राजनीति से ही एक तरह से पत्ता कट गया है, क्योंकि ना वो विधायक चुनी गई इस बार और ना टिकट मिल रहा है और ना आगे की उनकी राजनीति के बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए, मैंने वही कहा उनको, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत से काफी उनको मिला है, और अगर वो अच्छी बात, और मुझे लगता है और भी भारतीय जनता पार्टी उनका ध्यान रखेगी। बिल्कुल आजाद जी, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस की हम बात करें, 15 महीने अगर कांग्रेस सत्ता में रही तो क्या माणक अग्रवाल जैसे सैकड़ों नेता जो पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुँचाने के लिए अपनी पूरी ताकत 15 साल तक झोंकते रहे, आप भी उसमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के एक पदाधिकारी थे, संयोजक थे, खूब आपने प्रचार भी किया, आपने ताकत भी झोंकी, परंतु आपको सफलता नहीं मिली, और जिसको कहें सफलता इस मायने में कि आपको कोई निगम मंडल या कहीं एकोमोडेट नहीं किया गया, तो ये जानबूझ के इन्होंने किया या उन्होंने कहा कि ये जितने भी हैं इनका कोई वो नहीं है, सबको क्रश करो। नहीं, मैं तो किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं गया था, और मुझे क्या वो तो निगम मंडल तो किसी को भी नहीं दिया गया। मैंने तो मैं कह रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि माणक जी भी हो तो भी अगर 15 साल तक वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे तो उनको भी पीछे धकेल दिया गया, वो आपको भी पीछे धकेल दिया गया। हाँ, ये जरूर मैंने मानोबिया जी को दे दिया। मैंने ये जरूर महसूस किया कि जो व्यक्ति वहाँ, जो कार्यकर्ता वहाँ काम करना चाहता है दिल से, उसको काम करने की जो है वो मैंने वहाँ स्कोप नहीं पाया। नहीं, पर तो शोभा ओझा को दे दिया, JP धनोपिया को दे दिया, वो ऐसे ऑर्नामेंटल लोग ही उनको पसंद हैं जो
जो सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, जो नेताओं की परिक्रमा करते हैं, यही मैंने पाया। कोई भी ग्रास रूट से जुड़ा हुआ जिसका आधार हो, जो मैंने तो ऐसा ऐसा देखा नहीं। ये जो आपने नाम गिना है, ये लगभग उसी श्रेणी के लोग हैं। तो आप इसी कारण से तो कांग्रेस पिट रही है और पिटती ही रहेगी। कब तक पिटेगी? मुझे लगता है लगातार पिटेगी मध्य प्रदेश में। ये जो है ये दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बस का रोग नहीं है अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करना। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये कितना ही क्लेम किए हों, मेरा ऐसा मानना है कि 2018 में कांग्रेस नहीं जीती, बीजेपी हारी है। बताइए साहब सत्यन जी। मुझे ऐसा लगता है आजाद जी डबाजी ने कहा, और डबाजी का ही कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया बिल्कुल। और कांग्रेस में जो कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है कि 15 साल से लगातार सरकार चली आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके एक हल्का सा, क्योंकि 15 साल का एक जेनेटिकली गैप आ जाता। आप सोचिए प्रकाश जी, जो बालक अगर 4 साल का बच्चा रहा होगा पहली बार 2003 में, तो वो 2018 आते आते 22 साल का हो जाएगा या 18 साल से भी ज़्यादा उम्र का हो जाता है। तो वोट डालने का उसको, तो उसने कभी देखा ही नहीं कि मध्य प्रदेश पहले कैसा बदतर मध्य प्रदेश था, दिग्विजय सिंह का कैसा बंटा धार वाला प्रदेश था। उसने तो शिवराज जी का और भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा, उसके कारण उसने हर चीज़ ग्लिटरिंग देखी, चमचमाती देखी। 1 लाख करोड़ का बजट उसने देखा ही नहीं, और 1 लाख करोड़ की GDP उसने देखी ही नहीं। उसने तो सीधे सीधे जब वो आया 9 लाख करोड़ की GDP हो चुकी थी 2018 में। तो इस तरीके से बजट का साइज 18,000 करोड़ का बजट होता था 2003 में, वो बजट बड़ा बड़ा करके 2 लाख करोड़ से ऊपर का तो तभी हो गया था। तो उसको ये समझ में नहीं आ पाया कि पहले मध्य प्रदेश कैसा था, कि मध्य प्रदेश में अंधेरा वाला प्रदेश था, शिक्षा रहित प्रदेश था, स्वास्थ्य रहित प्रदेश था, उसने नहीं देखा था। तो उसको ऐसा लगता है इन लोगों ने बरगला दिया, और वो फिर बाद में जैसे 15 साल के कुशासन में ये समझ में भी आ गया। ये भी लोग कह रहे हैं देवदूत बन के आ गए सिंधिया जी, कमलनाथ जी हो, सुनिए कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, मतलब ये वो नेता हैं कि जिन्होंने खूब मेहनत की, और इनका भी जो चमत्कार था वो भी देखने को मिला है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए बिल्कुल वो एक शॉर्ट टर्म चमत्कार कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी विचारधारा स्थायित्व नहीं है, विचारधारा के अंदर तेज नहीं है, और एक चिरस्थायी होती है विचारधारा, विचारधारा में चिरस्थायी होना चाहिए। अब जैसे कि दिग्विजय सिंह जी की बात कही, मैं मानता हूँ उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, कुछ उन्होंने हमारे भोले वाले लोगों को, प्रदेश के लोग उससे प्रभावित भी होंगे, वोट भी दिया होगा। लेकिन आप देखिए वही दिग्विजय सिंह जी अभी कुंभ के बारे में किस तरीके से अभी कहा उन्होंने, कुछ कल परसों की बात है, तो एक दो दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया कि हरिद्वार में कुंभ हो रहा है और यहाँ पे ऐसा हो रहा है और जहाँ पे, तो देखिए कुंभ की बात है। अब जो क्रिकेट मैच है वो अपन टेलीविजन पे भी देख सकते हैं, तो क्रिकेट में दर्शक नहीं भी आएंगे तो चलेगा। आप कुंभ के अंदर कुंभ को देखने के लिए, कुंभ को तो आपको कुंभ में जाकर डुबकी लगानी पड़ेगी ना। तो एक तरह से आप देखिए आस्थाओं को, हाँ वो ये कह रहा है डुबकी मत लगाओ और कोरोना है, धन्यवाद, उल्टा कमेंट कर रहे, तो इनकी आस्था भी नहीं है। क्या नर्मदा परिक्रमा की होगी इन्होंने, माँ नर्मदा का क्या वंदन किया होगा, सोचिए। ठीक है डबा साहब, ये बात जो उठा रहे हैं सत्यन जी कि क्या इससे कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान होता है, कि कुंभ में क्यों डुबकी लगाने जा रहे हैं ये हिंदू लोग या हिंदू धर्मावलंबी, क्रिकेट में जाने नहीं दे रहे हैं, ये तुलना कितनी कांग्रेस के लिए फेवरेबल है? मेरा तो मानना है कि कांग्रेस पार्टी को इस हिंदू धर्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। ये कांग्रेस का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। कांग्रेस इसमें जिस भी एंगल से मुद्दे को उठाएगी उसी में डिफीट खाएगी। कांग्रेस को तो अपना जो है डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जो रियल इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है। ये बात उन्होंने कही थी अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में 943 घोषणाएं करी थी कांग्रेस ने, आप तो उस समय थे। नहीं मैं था, ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो है बीजेपी और आरएसएस ये पारंगत हैं। नहीं पर कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में वो गलती थी, मेरा मानना है मेरा कहना ये, उन्होंने धर्म पर जाति पर नहीं फोकस किया था, उन्होंने तो डेवलपमेंट पर ही फोकस किया था, और जितनी घोषणाएं की थी वो डेवलपमेंटली घोषणाएं थी। तो वो आपको लगा कि वो भी पूरी कर पाई है कि उसमें भी अपना अलाली चलती रही? नहीं, अगर वो कर पाते डेवलपमेंट की तरफ, अगर एक अच्छा
स्टार्ट ये लोग दे देते तो उपचुनाव में वो हालत थोड़ी होती, भले विधायक टूट के चले गए थे लेकिन उपचुनाव ये बैठे बैठे जीत जाते अगर गवर्नेंस दिया होता कमलनाथ जी ने, वो नहीं था। इसलिए पूरी ताकत झोंकने के बाद भी क्या नतीजा आया, नौ सीटें आई, दस में नहीं आ पाई पूरी। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और अब अगर मैं ये बात करूं कि दमोह की अगर बात करें हम, एक उपचुनाव जो है वो और आ रहा है विधानसभा का और अगले महीने ही होना है ये, तो आपको क्या लगता है कि ये उपचुनाव भी कांग्रेस कुछ करिश्मा दिखा पाएगी या बीजेपी भी इसमें आगे रहेगी? क्योंकि कांग्रेस की ये जो गुटबाजी है, ये जो आपसी लड़ाई है, इससे नुकसान होगा। मैं दमोह के हालातों को अच्छे से वैसे भी जानता हूँ। बीजेपी 100% चुनाव जीतेगी, कोई चांस नहीं है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई चांस ही नहीं है, और अच्छे खासे मार्जिन से जीतेगी। आप 2 तारीख को जब रिजल्ट आए तो आप हमें डिबेट पर अगर फिर से मौका देंगे तो इस पर आज जो मैं बात कह रहा हूँ ये तय है, ये फोरगोन कंक्लूजन है, ये कोई कंटेस्ट ही नहीं होने वाला है मेरे मेरे हिसाब से। बिल्कुल। यहाँ सतन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है और आज बीजेपी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, नगरीय प्रशासन मंत्री, सभी ये कह रहे हैं कि दमोह में हमारी अच्छी तैयारी है। और ये तैयारी क्या आपने पहले से देख के कर ली थी कि नहीं, एक ही व्यक्ति है जिसको टिकट भी देना है और जिताना भी है, ये जमावट कर ली है, या वहाँ जयंत मलैया एंड ग्रुप जो है वो आपको डिफीट देगा या आपको टक्कर दे सकता है? देखिए प्रकाश जी, आपके दर्शकों को बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी क्या एक परिवार है और उसमें 18 करोड़ सदस्य हैं और उसी तरीके से हर व्यक्ति समाहित हो जाता है। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय वी डी शर्मा जी या आपने माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, माननीय भूपेंद्र सिंह जी का उल्लेख किया और उन्होंने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि हम जो है राजनीति जो है उसको माध्यम समझते हैं समाज सेवा का, क्योंकि राजनीति की तो तैयारी वहाँ कर रखी है आपने कि वहाँ ऐसा तो नहीं किया वहाँ गुटबाजी आपकी सामने आ जाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगता है एकमेव होकर के ही हर जगह चुनाव लड़ती है, मैं वही कह रहा था, और प्रचंड बहुमत से जीतेगी, देखिएगा आप। चलिए ठीक है, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं इस समय अगर कांग्रेस की बात करूं तो निसंदेह सरकार से जाने के बाद कांग्रेस की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ रही है, एकजुटता का प्रदर्शन होने की बजाय जिस तरीके से बिखराव हो रहा है, पुराने नेता पहले तो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और जो कुछ बचे हैं उन्हें कांग्रेस के कुछ नेता गुटबाजी के चलते बाहर किए दे रहे हैं, इससे कोई अच्छा संदेश तो जा नहीं रहा है। आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का वो भी यह सोच रहा है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें तो जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।